नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस सागर पर। इंडियन इकोनॉमी के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर आपने देखा राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम एक और टॉपिक की बात करेंगे, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप देख चुके हैं, लेक्चर 4 में अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, लेकिन वहाँ हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं इनको जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, समाजवादी या साम्यवादी कैसी होती है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है। अब बात करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। तो देखिएगा, सबसे पहली अर्थव्यवस्था होती है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था दूसरी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरी आपकी होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक, मैं देख लेता हूँ फोकस आउट तो नहीं हो रहा। चलिए तो ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ विश्व पे कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, इसे कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील मतलब जिसका विकास हो रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी। और ये है आपकी अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिएगा, एक कॉमन सेंस आप सब समझते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था वो जिसने विकास की ऊंचाइयों को छू लिया है या विकास की अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली है। ये आपका किसमें आता है? विकसित अर्थव्यवस्था में आता है, जहां विकास की अंतिम अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है वो विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, और जिन अर्थव्यवस्थाओं में विकास अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए कि आप बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जिन अर्थव्यवस्थाओं में विकास की अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली है। ध्यान रखिएगा, विकास की अंतिम अवस्था कभी नहीं आती। आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या अमेरिका में सारी चीज़ें हो गई तो फिर ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? हर बार इस बार बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप को हराने के बाद, तो बाइडेन ने कुछ नए चुनावी वादे किए थे कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ वहाँ बचा हुआ है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें डेफिनेशन को तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है कि यहाँ विकास की अंतिम अवस्था प्राप्त हो गई है, यहाँ पे उच्च स्तर का विकास प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे विकास बहुत प्रारंभिक चरण में है। तो इन सभी का हल निकालने के लिए विश्व बैंक ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया। विश्व बैंक ने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला किस पे आधारित था? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, या मोटे शब्दों में कहें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या कहा विश्व बैंक ने, वो देख लेते हैं। तो विश्व बैंक का जो फॉर्मूला था वो ये था कि विकसित अर्थव्यवस्था वो है जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $236 या उससे अधिक है, या उससे अधिक है। विश्व बैंक ने कहा कि ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है ना, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, मोटे भाषा में कहें तो प्रति व्यक्ति आय $12,236 या उससे अधिक है, वह अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। याद रखिएगा, आज की डेट में अगर इस सेक्शन से प्रश्न आता है, इन आंकड़ों से प्रश्न आएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा। किसको? विकासशील अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड बैंक ने प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर दो भागों में बांटा। पहला, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, और दूसरी उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा कि हम जो समझते आ रहे थे अब तक, उसके अलावा विश्व बैंक ने एक नया फॉर्मूला दिया कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया। तो पहला आपका विकसित अर्थव्यवस्था वो जहाँ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी हो, $12,236 या इससे अधिक हो। इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको दो भागों में बांटा, निम्न आय, निम्न मध्यम आय वाले देश और उच्च मध्यम आय वाले देश।
ये दोनों ही रखे तो जाएंगे विकासशील में, लेकिन दोनों ही कैटेगरी अलग हैं। निम्न मध्यम आय का मतलब है कि ऐसा देश जहाँ किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा देश जहाँ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1,006 से $3,955 के बीच में हो, $1,006 से $3,955 के बीच में हो, वह देश किस में आएगा? निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में आएगा। कहाँ तो उसको विकासशील जाएगा, लेकिन कहाँ कहा जाएगा? विकासशील के अंतर्गत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था $1,006 से लेके $3,955 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अगर है। उच्च मध्यम आय की अगर बात करें तो $3,956 से लेके $12,235 के बीच जिस देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, यानी कि $1,006 से लेके $3,955 के बीच में अगर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो वो विकासशील के अंडर का आय में आ जाएगा, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। लेकिन वहीं किसी देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $3,956 से लेकर $12,235 के बीच है तो वही देश विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस में आ जाएगा? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें, इसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, तो यहाँ पर जिस देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1,005 या इससे कम हो तो देश किस में आ जाएगा? वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। तो विकसित एग्जाम्पल आपको पता ही है, जिसमें आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, विकासशील में भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, अल्प विकसित में नाइजर, बरुंडी, चाड या अफ्रीका महाद्वीप के कंट्री हैं, तो ये सब आपके अल्प विकसित में आ जाएंगे। मैं एक बार ये आंकड़े आपको दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ तो आपको उनको समझने में आसानी होगी। ध्यान रखिएगा, हाल ही के वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, तो वो इस विश्व बैंक द्वारा दिए गए आंकड़े के आधार पर ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ कि विकसित अर्थव्यवस्था अगर है, विकसित है, तो वहाँ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी होगी? $12,236 या इससे अधिक। अगर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो वह देश कैसा कहलाएगा? विकसित। विकासशील की अगर बात करें, विकासशील की बात करें दो भागों में बांटेंगे, निम्न मध्यम आय और दूसरा उच्च मध्यम आय। यहाँ पे $1,006 से लेके $3,955 के अगर बीच किसी देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो निम्न मध्यम आय में आएगा, और अगर $3,956 से लेके $12,235 के बीच है तो वो आ जाएगा उच्च मध्यम आय में। और अल्प विकसित की अगर बात करें, अल्प विकसित की अगर बात करें तो अगर $1,005 या इससे कम की, है ना, इससे कम का अगर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो वो देश किस में आ जाएगा? अल्प विकसित में आ जाएगा। यही आंकड़े आपको याद रखने हैं। आशा करता हूँ ये आंकड़े आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।